हाँ कैसी हो? हाँ सफूरा, मैं तो आज इतनी शॉपिंग करके आई हूँ ना कि तुम्हें क्या बताऊँ। तुम समझो सारा बाजार ही खरीद लिया मैंने तो। अरे तुम आना ना कल, मैं सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। एक से एक अच्छी चीज लेकर आई और महंगी। हाँ हाँ जरूर आना, खाना भी इकट्ठे खाएंगे, भूलना नहीं। चल खुदा हाफिज। अरे ये किधर रह गई? अरे पानी ले आओ सोनिया, बाहर से कोई आए तो उसको पानी पूछ लेते हैं। अरे तुम उठे हुए हो? मैं समझी सो रहे हो। भाभी, अरे आओ आओ आ जाओ। तो भाई जी को बताया आज कहाँ कहाँ की सैर की है तुमने? अरे आज तो मैं हर जगह। क्या हो गया? क्यों आवाजें दिए जा रही? काम कर रही थी मैं। ये देखो कैसे बात। अरे भाई बाहर से आई हूँ, प्यास लगी थी इसलिए पानी मांग लिया, बस माफ कर दो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं भी कुछ गलत नहीं कह रही। अरे कमरे में रखा हुआ तो है पानी, देख तो लेती पहले। तुम्हें भी रोब जमाने की आदत हो गई है। अरे रफीक ठंडा पानी चाहिए था ना, तुम तो सादा पानी पीते हो, और तुम्हें तो कह नहीं सकती थी कि ला दो। भाई जी तबीयत कैसी है अब? अरे पूरी शाम के गायब हो तुम दोनों। हाँ अब मेरी तबीयत का ख्याल आया तुम लोगों को? अरे भाई जी भाभी परेशान थी, मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लेगी, दिल बहल जाएगा, थोड़ा खाना वाना खिला दिया बस। लेकिन मैंने वादा किया है तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा तुम्हें, दिखाऊंगा उसको। ये पीरों फकीरों के चक्करों में कुछ नहीं मिलेगा भाई जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो हालत और बुरी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि बिस्तर से लग जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सुनते कहाँ है किसी की। और रफीक तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो, अगर मैं ना हूं तो तुम तो बाकायदगी से दवा भी ना लो। अब सुन रहे हो ना ये क्या कह रहा है? वो बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़ा मशहूर है, मुझे सफोरा ने बताया था उसके पास।